तो राजस्थान का रण जो है वो बीजेपी के लिए बेहद अहम है और इसी लिहाज से पूरी ताकत राजस्थान में झोंक दी गई है। लगातार आप बड़ी कवरेज देख रहे हैं राजस्थान से, ग्राउंड जीरो से, जयपुर से। हमारे जो अगले मेहमान हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं। केशव जी बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो सर यही सवाल, क्या माहौल लग रहा है सर राजस्थान में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से 2013 में एक बड़े अंतर के साथ यहाँ पर विजय प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार से 2018 के चुनाव में भी हम जीतेंगे। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से बनाने के लिए फिर हम 2019 में भी कमल खिलाएंगे। ये क्रम जहाँ भाजपा एक बार जीतती है वहाँ बार बार जीतती है। नहीं, लेकिन तो राजस्थान में तो बदलता है ना, राजस्थान में तो अदला बदली चलती है। ये इतिहास के पन्नों का आप जिक्र कर रहे हैं, वर्तमान में यही है कि जहाँ भाजपा एक बार जीतती है अपने सुशासन के बल पर, अपने काम के बल पर, हम बार बार जीतते हैं। केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, दोनों सरकारों को मिलाकर के जो विकास का तीव्र गति से रथ चल रहा है जी, उस रथ को रोकने की जो भी साजिश कर रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत निराशा होगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें 11 तारीख को ईवीएम मशीनों के ओपन होने से पहले तक जी। इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है, मोदी चेहरा या वसुंधरा राजे सिंधिया? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, संसार के सबसे शक्तिशाली नेता हैं। वसुंधरा राजे जी राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। तो दोनों सरकारों के जो हमारे मुखिया हैं, दोनों सरकार के द्वारा जो किया गया काम है, दोनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हम जीत रहे हैं, वैसे राजस्थान में भी बहुत बड़े लड़ाई जीत रहे। लड़ाई जो है ये मोदी वर्सेस राहुल है या वसुंधरा वर्सेस सचिन पायलट और जो अशोक गहलोत? हमारी तरफ से तो आप समझ सकते हैं कि वसुंधरा जी ही हैं जी। उनकी तरफ से कितने जी हैं मैं नहीं जानता, लेकिन केंद्र सरकार में संसार के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में हमारे आदरणीय नेता, जिन्हें देश की 125 करोड़ जनता प्यार करती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अब राहुल गांधी जी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं, चूंकि वो एक परिवार में पैदा हुए हैं इसलिए वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी 2019 के लिए जो लड़ाई है उसमें कांग्रेस हो या कोई विरोधी अन्य दल हो, बिना दूल्हे की बारात है। सर बिना दूल्हे की बारात तो आप कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि जो आपके दूल्हे मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया हैं उनको आप ना प्रोजेक्ट करते तो शायद आपकी संभावनाएं और प्रबल होती, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगी वसुंधरा, उनको लेकर नाराजगी है, कुछ एंटी इनकम्बेंसी है? मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के अंदरूनी खेमे की अभी वर्तमान में आपको खबर नहीं मिल पाई है। वहाँ दहशत का माहौल है कि जो 3 महीने पहले वो स्वप्न देख रहे थे कि हम राजस्थान के अंदर तो कम से कम वापस आ जाएंगे, आज उनके यहाँ यह दहशत है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जबरदस्त तरीके से छलांग लगाई है और राजस्थान भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह जीतने जा रही है। यह डर उनके मन में बैठा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की जीत का आधार मैं व्यक्तिगत तौर से यह मानता हूं, जो 4-5 दिनों में मैंने यहां पर देखा है कि जनता सीधा भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से, वसुंधरा जी से जुड़ी हुई है, उसे अपना उज्जवल भविष्य भाजपा के अंदर दिखाई दे रहा है। सर आपने मध्य प्रदेश की बात की, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है बता दिया, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, लेकिन सर आपके सूबे में क्या हो रहा है? ये कांग्रेस ये कह रही है कि यूपी जल रहा है और आप लोग वोट की बांसुरी बजा रहे हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पर, आप भी यहाँ पर, दिनेश शर्मा जी, दो दो डिप्टी सीएम, और यूपी में सर देखिए क्या हो रहा है, यूपी जल रहा है, बुलंदशहर में जो कुछ हुआ। देखिए, कोई घटना उत्तर प्रदेश में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार बनने के बाद घटनाएं नहीं घटी हैं, घटनाएं भी घटी हैं, लेकिन उनका खुलासा भी हुआ है। जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं उसके लिए जांच कमेटी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम उस बहादुर इंस्पेक्टर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जांच के आधार पर जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है सर, इतना ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि ये गौरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी है, 80% गोरख धंधे में लिप्त है, ये प्रधानमंत्री ने कहा था, फर्जी गौरक्षकों पर लगाम लगाने में आप लोग नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं, क्यों ऐसी घटनाएं? अब देखिए सर, चौकी फूंक दी गई, गाड़ियां जला दी गई, एक आम नागरिक को मार दिया गया, अपने आईओ को जो दादरी मामले में आईओ उनको तो गोली मार दी गई, पुलिस वाले को मार दिया गया। सर देखिए, अभी जो आप बता रहे हैं ये एक पहली घटना इस प्रकार की गोरक्षा के विषय को लेकर के इस प्रकार का विवाद खड़ा हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हमारी सरकार बनी है, इस प्रकार के कोई प्रदेश में विवाद नहीं हुए। कहीं पर भी इस प्रकार का विवाद हुआ
उसको रोकने में, क्योंकि हमने गौवंश की हत्या पर रोक लगाने में सफलता प्राप्त की, गौवंश की तस्करी को रोकने में सफलता प्राप्त की, तो इसके कारण से कोई इस प्रकार से विवाद नहीं हुए। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है बुलंदशहर की घटना, और इसके जो भी जांच करने के बाद दोषी होंगे कार्रवाई करेंगे, और भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। नहीं सर, लेकिन विपक्ष तो ऐसे ही कह के आपको टारगेट कर रहा है कि अपना राज्य संभल नहीं रहा, दूसरे राज्यों में आकर वोट मांग रहे हैं, योगी आदित्यनाथ तेलंगाना जा रहे हैं, आप यहां पर हैं, अपना राज्य संभल नहीं रहा, विपक्ष तो ये कह रहा है सर। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, न केंद्र में हमारी सरकार जो माननीय मोदी जी की अगुवाई में चल रही है, और न प्रदेश में जो वसुंधरा जी की अगुवाई में चल रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक परिवार की तरह काम करते हैं। जहां पर भी जिस राज्य में जब भी चुनाव होता है, हमारे राज्य में चुनाव होता है तो राजस्थान के लोग भी जाते हैं, अब राजस्थान में चुनाव है तो हम भी आए हैं। पहले हमारी सरकार नहीं थी, आज हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे दूसरे साथी डिप्टी सीएम हैं, तो प्रचार के लिए हम ना आए, कांग्रेस अगर ऐसा सोचती है तो ये संभव नहीं है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि हमारे जो शासित राज्य हैं, भाजपा शासित जो राज्य हैं, वहाँ हम विकास भी कर रहे हैं, सुशासन भी दे रहे हैं, अपराध अगर कोई किया है उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। नकेल क्यों नहीं कसी जा सके जा पा रही है, क्योंकि ये गौरक्षा का मामला, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का मामला, या बेहतर जानते हैं सर, ये लगातार हो रहा है, और इस मामले में तो पुलिस वाले की हत्या कर दी गई। ये पहली घटना है हमारी सरकार बनने के बाद, इस प्रकार की पहली घटना है जिस पर, पहली और आखिरी होगी ये कह रहे हैं, मान लीजिए आपकी ये आखिरी घटना होगी, इस प्रकार की घटनाओं को हम निश्चित तौर से रोकने का काम करेंगे। इस प्रकार की घटनाएं स्वीकार नहीं की जा सकती। जिस घटना को लेकर के एक इंस्पेक्टर को बलिदान देना पड़े, किसी आम जनता के बीच का व्यक्ति मौत के मुंह में जाए, हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर सकते। घटना दुखद दुर्भाग्य, जिन पुलिस वाले की दुखद मौत हुई है, उनकी बेटी ये कह रही है कि क्योंकि अखलाक मामले की जांच में वो आयो थे, इसलिए मेरे पिताजी को इस तरह से मारा गया। उनकी बेटी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं पूरे परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करता हूँ, और उनकी पीड़ा को भी समझ सकता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको यह दुख सहने की शक्ति दे, लेकिन जांच हो रही है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, वापस एक बार राजस्थान पे मैं आपका जल्दी से कमेंट ले लेता हूँ, फिर मुझे टॉस करना, मैं आगे आपसे बात करूंगा। राजस्थान में आपको क्यों लगता है कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर वापसी होगी? दो बड़ी वजह है, जल्दी से फिर मेरे को आगे टॉस करना है। देखिए, दो बड़ी वजह एक ही है कि केंद्र में और प्रदेश में जो दोनों हमारी सरकारें हैं, दोनों सरकारों ने जनहित में अच्छा काम किया, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, विकास, चारों तरफ एक लहर चली है। भ्रष्टाचार जो कांग्रेसियों की सरकार में होता था, वो भ्रष्टाचार पे हमने लगाम लगाई है। ठीक, देश को एक ऐसी स्थिति में ले जाकर के पहुंचाने का काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। वसुंधरा जी की अगुवाई में राजस्थान ने विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उसका परिणाम राजस्थान की जनता के सामने है। ठीक, हमारा समर्थन लगातार इसलिए बढ़ रहा है, अफवाह फैला करके, विरोध करके, जिन लोगों ने ये सोचा था कि हम उपचुनाव जीत लिए हैं तो आम विधानसभा चुनाव जीत लेंगे जी, उनके लिए मैं समझता हूँ 11 तारीख को 12 बजे बहुत बुरी खबर मिलने वाली। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से कैलाश विजयवर्गीय ने इसको बहुत अच्छे शब्दों में कहा भी, उन्होंने कहा कि 12वें महीने की 11वीं तारीख को कांग्रेस पार्टी की 13वीं होगी। ये कैलाश विजयवर्गीय के शब्द है। बहरहाल, 7 तारीख को मतदान, 11 तारीख को सबसे तेज नतीजे, जरूर देखिएगा जी न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य जी।